हेलो दोस्तों, एक बार फिर एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हमें करंट अफेयर के 500 प्रश्न कवर करने हैं, और इस सीरीज़ का ये जो पार्ट है ये पार्ट टू है। पहला पार्ट हम पहले ही दे चुके हैं, अब ये सेकंड पार्ट है। और जो हमें 500 प्रश्न कवर करने हैं, और इस सीरीज में पिछले लास्ट महीनों के करंट अफेयर्स के प्रश्न, और साथ ही साथ इसमें अक्टूबर महीने के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो और जो भी ये प्रश्न है वो सभी वनडे एग्ज़ाम, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन उस बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला प्रश्न। तो ये रहा पहला प्रश्न, और कि एक छात्र एक वृक्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न दो, डूरंड कप 2019 का 129वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। देखिए, ये आयोजित किया गया था कोलकाता में, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न। प्रश्न तीन, हाल ही में लॉन्च हुई उत्कर्ष 2022 किस की पहल है। तो ये जो पहल है उत्कर्ष 2022, ये पहल है RBI की, भारतीय रिजर्व बैंक की, RBI की है ये। और ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चौथा प्रश्न, प्रश्न चार, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। तो ये जो निर्णय लिया है बाघों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है वो भी लिया है मध्य प्रदेश ने लिया है, कि मध्य प्रदेश ने लिया MP ने। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, बाघों की जनगणना 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। ऑप्शन है इसमें राजस्थान है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बाघों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, जो बाघों की जनगणना हुई है तो 2018 के जो रिपोर्ट आई थी उसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं। तो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन सी, करेक्ट होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पाँच, विश्व भर में प्रसिद्ध किस राज्य में पाए जाने वाले मकराना के संगमरमर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है राजस्थान के, तो राजस्थान में मकराना का जो संगमरमर है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं UV सिंह, ऑप्शन डी
सही आंसर होगा यूवी सिंह। तो यूवी सिंह ने ये इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट लिखी है। प्रश्न आठ, किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लगभग 3600 वर्ष पहले की ग्रामीण बस्ती का पता लगा है? तो ये 3600 वर्ष पहले की जो ग्रामीण बस्ती है उसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पता लगा है, तो ये लगा है उड़ीसा को, उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी उड़ीसा में 3600 वर्ष पहले की एक ग्रामीण बस्ती उसका अभी हाल ही में पता लगा है। प्रश्न नौ, किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 का रमन मैग्सेसे अवार्ड्स दिया गया है? तो इस प्रश्न को आप सभी जानते होंगे, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रविश कुमार, ऑप्शन सी रविश कुमार जो NDTV के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनका एक प्रोग्राम आता है रात प्राइम टाइम, जिसमें ये आम जनता और सरकार सभी के से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाते हैं और उसी लोगों के आम मुद्दे जो उठाते हैं उन्हीं के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न दस, निम्न में से किस देश में अंडर वाटर मिलिट्री म्यूज़ियम बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जॉर्डन में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बी जॉर्डन में अंडर वाटर मिलिट्री म्यूज़ियम बनाया गया है। प्रश्न 11, वह संस्था जिसने मैंग्रोव वन सुंदरवन की रक्षा के, ये के हो गया है कि ये की रक्षा के लिए, देखिए रक्षा इसमें दो बार आ गया है तो ये एक बार होगा, कि रक्षा के लिए डिस्कवरी इंडिया और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भागीदारी की है, तो वो ये की है WWF ने, WWF जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड भारत, भारत की संस्था है वर्ल्ड वाइड फंड, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न 12, किस तितली को तमिलनाडु राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? ये किया गया, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है, तो इसमें जो तमिलनाडु राज्य की जो राज्य तितली घोषित की गई है वो की गई तमिल योमेन को, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें, तमिल योमेन। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कोंकणी भाषा में भारतीय संविधान का अनुवाद किसने किया है? तो सभी इसमें लेखक हैं ये, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी स्टीफन क्वाड्रोस परमूड, इन्होंने हाल ही में भारतीय जो संविधान की जो पुस्तक है, भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान को अनुवाद किया है कोंकणी भाषा में, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, कंगाड़ी साड़ी जिसे GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कंगाड़ी जो साड़ी है वो बनाई जाती है वो तमिलनाडु में बनाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्रश्न सही आंसर होगा वो भी तमिलनाडु ही होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, तमिलनाडु। और देखिए एक और, तमिलनाडु पर अब तक जो GI टैग हुए हैं वो 30 यानी कि 30 GI टैग इसको मिल चुके हैं भारत में, और जो सबसे ज़्यादा GI टैग हैं वो हैं हमारे कर्नाटक को, कर्नाटक को सबसे ज़्यादा GI टैग मिले हुआ है, और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को
तीस यानी कि 30, इसको अभी 30 ही जे टैग मिले हैं। प्रश्न 15, बच्चों के लिए 2019 यूनिसेफ दक्षिण एशियाई सांसद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलंबो। कोलंबो में बच्चों के लिए 2019 यूनिसेफ दक्षिण एशियाई सांसद सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विश्व यात्रा पर्यटन प्रति स्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी जो रैंक है भारत की वो है 34वीं, 34। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी 34वीं रैंक पे लिए इसे। प्रश्न 17, किरण नागरकर जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे, नाटककार थे ये, एक प्ले राइट करते थे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नाटककार थे किरण नागरकर। प्रश्न 18, हिंद महासागर सम्मेलन का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा, आयोजित किया गया था माली में, ऑप्शन सी माली में इसको चौथा संस्करण था, इसको आयोजन जो किया गया था वो माली में किया गया था। प्रश्न 19, देखिए अभी अक्टूबर महीने के कुछ करंट्स हैं तो उनको लिया गया है इसमें। तो प्रश्न 19 देखते हैं, इसमें भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था पुणे में, ऑप्शन सी पुणे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी, और देखते रहें हमारे इस वीडियो को, और अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करें। प्रश्न 20, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में अपना कारोबार शुरू किया, मतलब अपनी ब्रांच खोली है? तो कौन से बैंक ने खोली? देखिए HDFC है, PNB है, SBI है और एक एक्सिस बैंक है। तो इसका सही आंसर होगा, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं इसका, तो वह है ऑप्शन सी SBI ने, ठीक है, SBI ने विक्टोरिया में अपनी एक ब्रांच खोली है। प्रश्न 21, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? भोपाल, नई दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई? तो ये खोला गया है भोपाल में, ऑप्शन ए सही है इसका। तो भोपाल में पहले देश का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। प्रश्न 22, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 102, मतलब 102वीं, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो 102वीं रैंक है इसमें, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था अभी अक्टूबर महीने में ही, 13 अक्टूबर को मनाया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है इक्वाडोर ने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इक्वाडोर। इक्वाडोर ने ओपेक की सदस्यता को छोड़ने का निर्णय लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये आखिरी जो प्रश्न है वो आप सभी के लिए है,
जिसका प्रश्न जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आखिरी प्रश्न 25। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आपके लिए ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए इथियोपिया, बी इक्वाडोर, सी ओमान या डी इरिट्रिया। तो इस प्रश्न का आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करिए। देखते हैं कितने बच्चे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं और वो इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। तो आगे मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर पसंद आएगा बेल तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आगे फिर मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।